सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल अनलिमिटेड ज्ञान को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पे ताकि आप पास के मेरी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल अनलिमिटेड ज्ञान। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रीमियम वेवर बेनिफिट के बारे में, जिसे हम PWB राइडर भी कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि एक्सप्लेन करूंगा कि PWB क्या होता है और इसके साथ साथ हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एडिशनल प्रीमियम पे करना होता है या नहीं। उसके बाद जो बात आती है वो है मैक्सिमम एज ऑफ द प्रपोजर, मतलब बाय चांस कोई फादर है और वो अपने बच्चे के नाम पे लेना चाहते हैं तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट लेने के लिए प्रपोजर की मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, डिटेल में हम बात आगे करेंगे। उसके बाद जो आता है मैं बताऊंगा इसमें अवेलेबल फॉर ऑल पॉलिसी, तो क्या ये बेनिफिट सभी पॉलिसी में अवेलेबल है या नहीं, तो वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप आसानी से और इजिली समझ सकें कि ये पूरा मतलब क्या होता है इस राइडर का। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं एक एग्जांपल से। मान लेते हैं कोई किसी बच्चे का फादर है, उसकी एज है 25 इयर्स की और जो उसका सन है वो है 3 इयर्स का। तो मान लेते हैं हमने एक पॉलिसी ली और उसके फादर हैं जो हो गए इसमें कहेंगे प्रपोजर, इसमें जो फादर होगा उसे प्रपोजर कहेंगे और जो सन होगा जिसके नाम से पॉलिसी ली जा रही है उसे हम पॉलिसी होल्डर कहेंगे। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, जो सन है जिसके नाम से पॉलिसी है वो है पॉलिसी होल्डर और जो फादर जो प्रीमियम पे करेगा उसको प्रपोजर हम कहेंगे। तो ये पॉलिसी चलेगी, मैं मान के चलता हूं ये ले रहे हैं प्लान नंबर 834 जीवन तरुण। तो इसमें बच्चे की पॉलिसी का प्रीमियम उसका फादर देगा जब तक वो पॉलिसी मैच्योरिटी नहीं हो जाती उस पॉलिसी की। तो बाय चांस अगर मान लेते हैं 3 साल आपकी पॉलिसी चली, 3 साल बाद जो प्रीमियम है वो हमेशा इस पॉलिसी में जो है फादर उसका प्रीमियम पे करेगा क्योंकि सन अभी अर्निंग करने के लायक नहीं है, 3 साल का बच्चा है वो। तो उसके फादर ने 3 साल तक प्रीमियम भरा और उसके बाद उसके फादर के साथ मान लेते हैं कुछ मिस हैपनिंग हो गई, या ये 1 साल बाद भी हो सकता है, 4 साल बाद भी हो सकता है, पॉलिसी के दौरान कभी भी, मैं मान के चल रहा हूं 3 साल बाद कुछ हो जाता है उसके फादर को। तो उस केस में अगर बाय चांस 3 साल बाद उसके फादर की डेथ हो गई तो उस केस में प्रीमियम होगा जो वो बच्चा अपने पास से नहीं भर पाएगा। और मान लेते हैं उसकी जो मदर है वो भी अर्निंग नहीं कर रही है क्योंकि फादर एक प्रपोजर था, फादर प्रीमियम पे कर रहा था, तो प्रीमियम होगा जो वो बच्चा पे नहीं कर पाएगा। तो अगर आप ये PWB प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर ले लेते हैं तो इस केस में जब तक बच्चा 18 साल का होएगा जब तक आपको कोई प्रीमियम पे नहीं करना है, क्योंकि LIC कहती है जब तक बच्चा 18 साल का होगा वो एक अर्निंग नहीं कर सकता किसी भी तरह से, जो कि इलीगल है। अगर वो बाय चांस कहीं छोटा मोटा काम कर भी लेता है तो वो इलीगल है, तो 18 की एज तक वो एक अर्निंग नहीं होगा। तो इस केस में LIC है जो, अगर आपने PWB राइडर ले रखा है पॉलिसी में, चाइल्ड पॉलिसी में, तो आपको जब तक बच्चा 18 साल का होगा तो उसमें प्रीमियम नहीं देना होगा। उसके बाद जब बच्चा 18 साल से ज्यादा का हो जाएगा तो उसमें उसको प्रीमियम देना पड़ेगा खुद से अपनी पॉलिसी के लिए। जो 18 साल तक पॉलिसी चलेगी वो बिल्कुल आपकी फ्री चलेगी, मतलब बीच के बच्चे जो 15 साल हैं इसमें कोई भी आपका प्रीमियम नहीं जा रहा है और आपकी पॉलिसी सेम टू सेम ऐसे की ऐसे चलती रहेगी। तो यही है प्रीमियम वेवर बेनिफिट का मतलब। PWB का मतलब ये हुआ कि फादर के साथ ये प्रपोजर जो भी है, प्रपोजर मदर भी हो सकते हैं, ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, तो जो भी प्रपोजर है उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग होने पर या डेथ होने पर जो जिसके नाम से पॉलिसी चल रही है उसको 18 साल तक, मतलब जब तक कि वो 18 साल का नहीं हो जाता उसका प्रीमियम वेव मतलब माफ कर दिया जाएगा। तो यही मतलब था प्रीमियम वेवर बेनिफिट का। तो उसके बाद बात आती है क्या इसके लिए आपको एडिशनल पेमेंट करनी पड़ती है प्रीमियम की। तो जी हाँ, इसके लिए एडिशनल प्रीमियम पेमेंट करनी होती है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये देखिए आप, ये एक मैंने ऐप डाउनलोड की हुई है, इस पे मैं बच्चे की एज 2 साल ले रहा हूँ और साथ के साथ 1 लाख का समय शोर्ड लेके दिखा रहा हूँ।
यहाँ पे प्रीमियम वेवर बेनिफिट का ऑप्शन मैं अभी नहीं लेके दिखा रहा हूँ। अगर आप नहीं लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं प्रीमियम, तो इसमें आप देख रहे हैं एक साल का 4,951 रुपए प्रीमियम आ रहा है। और अगर मैं प्रीमियम वेवर बेनिफिट इसमें ऑन कर देता हूँ 25 साल की एज के लिए और मैं कैलकुलेट करता हूँ प्रीमियम, तो 5,087 रुपए आ रहा है ये एक साल के लिए। तो जो प्रीमियम वेवर बेनिफिट अगर आप ऑप्शन लेते हैं तो इसके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम पे करना होगा थोड़ा सा, क्योंकि एक अलग से राइडर है। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम एज ऑफ प्रपोजर, तो वो होती है इसमें 55 साल की। जैसे कि कोई फादर है, उनकी एज 55 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर वो अपने बच्चे का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, चाइल्ड प्लान लेना चाहते हैं और साथ के साथ प्रीमियम वेवर बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट लेने के लिए प्रपोजर की मैक्सिमम एज है जो वो 55 इयर्स की होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें 55 इयर्स की है। और उसके बाद बात आती है क्या ये बेनिफिट सभी पॉलिसी में होते हैं। तो अभी मैं बात करूं LIC की, तो LIC में चाइल्ड जो प्लान है उसमें ये है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, जो कि 832 नंबर प्लान और 834 नंबर प्लान में है। इसकी पूरी डिटेल मैंने वीडियो में बता रखी है, अगर आप 832 प्लान और 834 के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ डाउट हो प्रीमियम वीवर बेनिफिट के बारे में तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, साथ के साथ शेयर कीजिएगा अपने LIC के ग्रुप्स में या LIC के जो भी एजेंट है उनके साथ, ताकि वो भी जान सके कि प्रीमियम वेवर बेनिफिट क्या होता है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, ताकि आप पास के मेरी वीडियोस सबसे पहले फ्री में, और जब भी मैं आपको वीडियो डालूंगा अपने YouTube चैनल पे उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय, और देखते रहिए मेरी वीडियोज को, क्योंकि देखोगे तभी तो सीखोगे।